चलो यहाँ देखो, अब तुम बोलना नहीं, बोलना नहीं है ठीक है, यहाँ देखो। हाँ तुम्हारे स्कूल में है नहीं संस्कृत का 10th में? ऑब्जेक्टिव तुम्हारे स्कूल में होगा, सब्जेक्टिव उनके स्कूल में नहीं है, नहीं है ना? हो गया फिर, ठीक है अब शांत रह जाओ। चलो देखो, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि हमने कल वेव कैसे मूव करती है वो पढ़ा था, ठीक है? वेव कैसे मूव, साउंड कैसे मूव करती है, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे आगे पीछे होते रहते हैं, साउंड वैसे मूव करती है, मगर क्योंकि हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ऐसे, तो हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफ में। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम ग्राफ बनाते हैं टाइम का और डिस्टेंस का। किसका? टाइम का और डिस्टेंस का। ये जो हम यहाँ पर से डिस्टेंस ले रहे हैं ना, ये डिस्टेंस है मेन पोजिशन से। जैसे अगर मैं ये मान लू कि ये हमारा मेन पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल आगे जा रहा है, फिर टीवी में नहीं आया, तो टीवी ऑन है, ये नहीं ऑन है, मुझे तो लगा ऑन है, मुझे लगा कि क्या हो गया इन लोग को। चलो हाँ यहाँ देखो, ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये क्या हमारा डिस्टेंस एक्सिस है, ठीक है? ये हमारे पास में पार्टिकल है जो साउंड की वजह से क्या करने वाला है, वाइब्रेट करने वाला है, मतलब आगे पीछे मूव करने वाला है। तो ये वाली पोजीशन हो गई इसकी मेन पोजीशन, और ये मेन पोजीशन हम इस लाइन से दिखाएंगे, इस लाइन पर है, मतलब मेन पोजीशन पर, अभी सेंटर पर है, ठीक है? इससे आगे जाएगा तो हम वेव बनाएंगे ऊपर को, ऐसे देखो, पहले डिस्टेंस बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी, फिर घटेगी, फिर जीरो हो जाएगी, ऐसे देखो, ये मेन पोजीशन है, पहले डिस्टेंस धीरे 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 बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर धीरे 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 क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी, फिर जीरो पे आ जाएगी, फिर पीछे की तरफ हो जाएगा, तो फिर डिस्टेंस बढ़ेगी, मैक्सिमम जाएगी, और फिर धीरे 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 घटेगी और वापस मीडियम पे आ जाएगी। तो यहाँ पर भाई ये देखो, पहले डिस्टेंस बढ़ रही है, फिर डिस्टेंस घट रही है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो ऐसे करके हम क्या बनाते हैं? साउंड की वेव बनाते हैं। हम साउंड को स्टडी किस फॉर्म में करते हैं? वेव फॉर्म में स्टडी करते हैं, ठीक है? वेव कैसी बनती है? ऐसी, तो साइन वेव बोलते हैं, ठीक? कहाँ गया? ये है हमारे पास में, ठीक हो गया? अब इसमें देखो, ये ऊपर की तरफ को है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर की तरफ को होता तो क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और नीचे की तरफ को होता तो क्या बोलते हैं? टफ। है, वेव्स नहीं पड़ी अभी तक? नहीं, नहीं, पिछले बार तो 8th वालों ने थी। चलो कोई बात नहीं, फिर समझ लो, यहाँ देखो, ऊपर की तरफ को होता है तो क्रस्ट बोलते हैं, नीचे की तरफ को होता है तो टफ्ट बोलते हैं, ठीक है? ऊपर को मतलब उभार, क्रस्ट, नीचे की तरफ को टफ, गड्ढा, ठीक हो गया? अब यहाँ पर मैं देख लो, यहाँ मेन पोजीशन से था, मेन पोजीशन से शुरू हुआ, आगे की तरफ को मैक्सिमम गया, फिर वापस आया जीरो, फिर पीछे की तरफ को मैक्सिमम गया, फिर वापस आया जीरो। तो यहाँ पर पहुंचने तक क्या हो जाएगा? एक राउंड पूरा, एक पूरा राउंड पूरा। जैसे यहाँ से शुरू किया, आगे को गया मैक्सिमम, फिर पीछे को आया जीरो, फिर पीछे को गया मैक्सिमम, फिर आगे को आया जीरो। तो इसी को हमने वेव में दिखाया, आगे गया मैक्सिमम, वापस आया, फिर पीछे गया, फिर वापस आया। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? वन ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे? वन ऑसिलेशन। जी, वेव है ना, वेव में वैसे भी तुमको पता है ये कैसा मोशन करता है, वो रिपीटेटिव मोशन करता है, तो हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या करता है? आगे जाता है, वापस आता है, पीछे आता है, आगे जाता है, वापस आता है, पीछे आता है। हमने बोला था वाइब्रेशन पीरियोडिक मोशन के अंदर आता है, इसमें तो पार्टिकल वाइब्रेशन ही कर रहे हैं ना, तो पीरियोडिक मोशन की जो जो प्रॉपर्टीज होती है सब आएंगे यहाँ, ठीक है? एक पूरा राउंड पूरा हुआ तो हम क्या बोलेंगे इसको? वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन देखो, पहली बात तो हो गई, वेव फॉर्म में मूव करता है, ठीक है? वेव फॉर्म कैसी होती है? ऐसी होती है, देख लो, एक बार ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, वेव फॉर्म में मूव कर रहा है। दूसरा हो गया वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब है एक कंप्लीट वाइब्रेशन, आगे वापस पीछे वापस, एक कंप्लीट वाइब्रेशन को हम क्या बोलेंगे? वन ऑसिलेशन, ठीक हो गया? इसके बाद ऑसिलेशन के जस्ट बाद देखो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? देखो, ये वन ऑसिलेशन जितने टाइम में खत्म हुआ है, मान लो 0.1 सेकंड में खत्म हुआ है तो बोलेंगे वन ऑसिलेशन, 0.5 सेकंड में खत्म हुआ है तो बोलेंगे टाइम पीरियड कितना है? 0.5 सेकंड। 0.10 सेकंड में खत्म हो रहा है तो बोलेंगे वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है? 0.10 सेकंड। समझ में आ रही है बात? वन ऑसिलेशन करने में जितना भी समय लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। अब देखो, ये वाइब्रेशन है, हम नहीं गिन सकते कि वन ऑसिलेशन हुआ है करके, बहुत फटाफट फटाफट होता है ना, मगर हम 60 ऑसिलेशन गिन सकते हैं, मतलब लार्ज नंबर गिन सकते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने क्या किया, 60 ऑसिलेशन गिने और हमें पता चल गया
10-20 सेकंड में हो रहा है, तो हम एक का निकाल लेंगे कि 60 ऑसिलेशन कितने टाइम में हो रहे हैं, 20 सेकंड में, तो 1 ऑसिलेशन कितने टाइम में होगा, 20 अपॉन 60, कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 1 अपॉन क्या हुआ ये? ये तरीका है, जैसे तुमको क्या बोलेगा ना, तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा, देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो, सुनो क्वेश्चन दिया होगा कि एक वाइब्रेशन हो रही है, कोई भी साउंड वेव हो रही है, वो क्या कर रही है, 2 मिनट्स में 200 ऑसिलेशन कर रही है, 2 मिनट में, चलो 120 बोल देते हैं, 2 मिनट में कितने ऑसिलेशन कर रही है, 120 ऑसिलेशन कर रही है, तो इसका टाइम पीरियड बताओ। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे को टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 2 मिनट, मिनट को सबसे पहले हम काय में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा, 2 × 60 टाइम आ गया, अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 120, कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा, 120 से 120 क्या हो गया, कैंसिल, आंसर क्या आया, 1 सेकंड, इसका मतलब इस समय वाइब्रेशन का ऑसिलेशन कितना था, टाइम पीरियड कितना था, 1 सेकंड, है ना, हमें 120 वाइब्रेशन का पता है कि 2 मिनट लगते हैं, तो एक वाइब्रेशन का निकाल लेंगे हम, यूनिटरी मेथड, 120 का पता है तो एक का निकाल सकते हैं ना, जैसे हमें 100 पेन का रेट पता हो तो एक पेन का निकाल सकते हैं, सेम टू सेम अगर हमें 120 के लिए टाइम पता हो तो एक के लिए निकाल सकते हैं, साइड चेंज ही तो करनी है बस हम लोगों ने, समझ में आ रहा है, तो ये क्या निकालने का तरीका है, टाइम पीरियड होता क्या है, एक ऑसिलेशन जितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक हो गया, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, किसी भी पेंडुलम का या किसी भी वाइब्रेशन का, किसी भी वेव का हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, बस हमको कितने 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 भी ऑसिलेशन का वैल्यू दिया हो, कि 200 ऑसिलेशन 5 मिनट में होते हैं, 200 ऑसिलेशन 10 सेकंड में हो जाते हैं, कुछ भी दिया हो, बताया हो कि इतने ऑसिलेशन इतने टाइम में होते हैं, तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, तो यूनिटरी मेथड, ठीक है, चाहो तो तुम फॉर्मूला याद रख लो, या तो तुमको वो वैसे वाला मेथड तो आता होगा, है ना, 120 ऑसिलेशन कितने मिनट में, 120 ऑसिलेशन 120 सेकंड में, तो 1 ऑसिलेशन 120 अपॉन 120, कैंसिल आया तो कितना आया, 1 सेकंड, चला आता है मेथड, तो वही मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, और चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है, चलो टाइम पीरियड हो गया, इसके बाद आती है हमारी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड के बाद क्या आती है, फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 सेकंड लिया हमने, 1 सेकंड में जितने भी वाइब्रेशन हुए, मान लो 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशन हुए तो फ्रीक्वेंसी हो गई 20 हर्ट्ज, अगर 1 सेकंड में 100 वाइब्रेशन हुए तो फ्रीक्वेंसी हो गई 100 हर्ट्ज, अगर 1 सेकंड में 500 वाइब्रेशन हुए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 500, समझ में आ रही है, 1 सेकंड में जितने भी वाइब्रेशन होते हैं, जैसे ह्यूमन एयर 20 हर्ट्ज से 2 किलो हर्ट्ज यानी कि 2000 हर्ट्ज तक सुन सकती है, 2 किलो हर्ट्ज तक सुन, इसका मतलब 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशन से लेकर के 1 सेकंड में 2000 वाइब्रेशन तक हमारे कान सुन, 20,000 हर्ट्ज, समझ में आ रही है बात, फ्रीक्वेंसी फिजिक्स के वैल्यूज को रट तुम लोग बहुत जल्दी बहुत मजे से लेते हो, रटना नहीं होता, उनको समझना होता है ताकि तुम ऐसे क्वेश्चन कर सको जिनमें तुम्हें फॉर्मूला बिना लगाए आंसर हो जाए, करना है क्या हमने, 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, जितने वाइब्रेशन कहां से, किसी भी एक पॉइंट से, ये नहीं पूरी वेव देखते रहेंगे कि अरे इसमें भी हुआ इसमें भी हुआ इसमें भी हुआ ये, तो पूरी वेव में 100 वाइब्रेशन होंगे, नहीं, एक पॉइंट पर, जैसे वेव होती है ना, तो क्या करती है, जैसे मान लो इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर वेव निकल जाएगी ऐसे करके वेव निकलते रहेगी, 1 सेकंड में कितनी बार हुआ ये ऊपर नीचे, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 या फ्रीक्वेंसी बोलेंगे उसको, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा पार्टिकल है आगे पीछे घूम रहा है, 1 सेकंड के अंदर मान लो ऐसे करके 100 बार घूम गया, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है, 100 हर्ट्ज, कितने बार आगे पीछे घूम रहा है, वेव में इसको समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तुम वेव इमेजिन नहीं कर सकते, अभी तुम्हारा थोड़ा टाइम लगा वेव इमेजिनेशन सीखने में, मतलब वो वेव ना एक्चुअल में साउंड ऐसे ऐसी नहीं चलती है, वो हमने खाली क्या कर रखा है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना रखा है,
वो साउंड का रास्ता नहीं है, ये मत समझ लेना कि ये साउंड का रास्ता कर, साउंड ऐसे चल रही है आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे चलती है साउंड, ठीक है। साउंड का रास्ता है, रास्ता नहीं है ये, खाली हमने डिस्टेंस और टाइम के लिए क्या बना रखा है, ग्राफ बना रखा है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, क्या हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन बोले, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बोले, बात एक ही है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं क्योंकि हम साउंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन या फिर ऑसिलेशन से बढ़िया क्या लिख रहे हैं, वाइब्रेशन। तुम लोगों ने ऑसिलेशन लिखा तो स्लैश करके वाइब्रेशन लिख, नहीं टाइम पीरियड का मतलब है एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। जैसे मैं बोलूं कि तूने ये चक्कर लगाना है, एक चक्कर लगाने में तुझे 2 मिनट लगे, मैंने तेरे को बोला तेरी फ्रीक्वेंसी 2 मिनट पर राउंड है, ये हो गई फ्रीक्वेंसी कि एक, सॉरी ये हुई टाइम पीरियड की, एक 2 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है, एक चक्कर कितने टाइम में पूरा कर रही होगी, वो क्या हो गया टाइम पीरियड। तो 2 मिनट में एक राउंड पूरा हो रहा है, ये क्या हो गया हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है जैसे मैंने तेरे को दे दिया कि 10 मिनट है तेरे पास, कितने चक्कर लगा सकते देखते हैं, तूने 10 चक्कर लगाया, इसने 5 चक्कर लगाया, तो मैं कहूंगी इसकी फ्रीक्वेंसी 15 तेरी फ्रीक्वेंसी 10। मैम अरे मैं अपना भी तो लाइफ में पता नहीं भूल गई, चलो ठीक है, मतलब समझे दोनों में थोड़ा सा फर्क है। टाइम पीरियड का मतलब है एक चक्कर कितने टाइम में हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में कितने राउंड लगा ले रहा है, वो जितने भी राउंड लगाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। देखो अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान ले तो ट्रू बोलते हैं हम, चलो आगे देखो। फ्रीक्वेंसी समझ में आई, अब हमें ना फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, क्या करनी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालने का एक तो वही यूनिटरी मेथड का तरीका है, मान लो मैं तुमसे क्या बोलूं, अब हमें ऐसा होगा ना 1 सेकंड का तो पता नहीं चलेगा, मान लो मैंने टाइम काउंट कर लिया 2 मिनट, मैंने कहा 2 मिनट में देखती हूँ कितने राउंड होते हैं, तो मान लेते हैं हम क्या हुआ 2 मिनट में कितने राउंड हो गए, 180 राउंड हो गए, 2 मिनट में कितने राउंड हो गए, 180 राउंड हो गए। मैंने कहा 1 सेकंड में कितने होते, तो पहले हम इस मिनट को घाई में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 2 मिनट में कितने सेकंड, 120 सेकंड इज इक्वल टू 120 सेकंड में कितने राउंड, 180 राउंड। तो 1 सेकंड में कितने राउंड निकालना तो ये था ना हमने, 1 सेकंड में कितने राउंड होते हैं, 1 सेकंड में कितने राउंड आएंगे, 180 अपॉन 120, कैंसिल करेंगे 6 2 12 6 3 18 आंसर आएगा 1.5 हर्ट्ज। समझ में आया, एक तो ये यूनिटरी मेथड वाला तरीका है, साइड चेंज करो, अगर सेकंड वाला निकालना है तो इसको भेजो, अगर राउंड का निकालना है तो इसको नीचे भेजो। दूसरा तरीका क्या है, तुम सीधे फॉर्मूला याद कर लो, लिखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड का उल्टा है इसका फॉर्मूला, हाँ लिखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बोलो चाहे नंबर ऑफ वाइब्रेशन बोलो, हाँ नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम टेकन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अब मुझे बताओ तुम दोनों को ये दोनों फॉर्मूले उल्टे नहीं लग रहे, अगर हम इसी को इन्वर्स करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा। जैसे मान लो टाइम पीरियड हमारा कितना है, टाइम पीरियड हमारा आ गया 5 अपॉन 10, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 10 अपॉन 5, उल्टा है ना। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, एक तरीका ये भी होता है, मान लो तुम्हें टाइम पीरियड दिया हो तो अगर तुम उसको उल्टा कर दो, टाइम पीरियड को उल्टा करने पर फ्रीक्वेंसी आ जाती है ना, टाइम पीरियड हो गया टी 4 सेकेंड, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 4 हर्ट्ज। समझ में आ रहा है, अगर टाइम पीरियड को इन्वर्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। लिख लो अगला फॉर्मूला, लिख लो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम टेकन, 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ना टाइम टेकन, क्या तो आज दिन में आया था नहीं आया था ना, 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड और टाइम टेकन में फर्क है, टाइम टेकन जो क्वेश्चन में दिया होता है, टाइम पीरियड की वैल्यू फिक्स होती है, टाइम पीरियड ऐसे करके लिखो इसको। चलो इन सबका शॉर्ट फॉर्मूला बता देती हूँ याद रखने के लिए, इसको लिख दो टाइम पीरियड को लिखते हैं हम कैपिटल टी, टाइम टेकन को हम लिखते हैं स्मॉल टी, और वाइब्रेशन के लिए तुम्हारे पास में एक तो तरीका है कि तुम एफ लिखो,
एक तरीका है, तुम वी लिखो, तुम अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ओ या वी जो भी लिखना चाहो। क्या लिखोगे? वी लिख दो, चलो वाइब्रेशन, या एन लिख दो, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है ना, एन लिख दो, टी अपॉन एन, एन मतलब नंबर, ये वाइब्रेशन, एन वी लिख दो, एन वी नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, इस वाले में क्या कर देंगे फिर हम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन वी अपॉन, फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल एफ होता है, कोई सा भी लिखो, वैसे जनरली छोटा एफ लिखो है, स्मॉल टी अपॉन एन वी, एन वी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन, सिंबॉलिक फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो सिंबॉलिक तो याद रख लोगे। हाँ, टाइम टेकन के लिए कैपिटल टी यूज होगा, टाइम पीरियड के, सॉरी टाइम टेकन के लिए स्मॉल टी होगा, टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी होगा। मुझे कंफ्यूज कर रहा है, देख करते, चलो आ गया, फिर से क्यों पूछ रही हूँ तू अपना वर्ड, तुम लोग को आ गया रे पक्का, ये पूछेगा इससे एक न्यूमेरिकल आ जाएगा तुम्हारा, तो ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड में से कोई एक कैलकुलेट करने आएगा, तो ध्यान से याद रखना इसको, या फिर हो सकता है कि तुम्हें नंबर ऑफ ऑसिलेशन और टाइम पीरियड दिया हो, दोनों पूछे, फ्रीक्वेंसी भी बताओ टाइम पीरियड भी बताओ, पहले फ्रीक्वेंसी निकालना उल्टा करना टाइम पीरियड आ जाएगा, चलो तो सुन लेते नहीं तो रिवाइज कर ले। चलो अगला देखो, एम्पलीट्यूड, एम्पली में दो एल हो गए, एक ही एल होता, हाँ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है देखो, ये हमारी जीरो पोजीशन थी ना, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से कितना ऊपर या नीचे गया, जैसे ये ऊपर गया और ये नीचे गया, ये देखो ये हमारे पास में मीन पोजीशन है पार्टिकल की, ये सबसे आगे जा रहा है मान लो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 mm कह देते हैं, और पीछे भी कितना आएगा मैक्सिमम 2 mm, तो इसको हम बोल देंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, आगे कितना आया और पीछे कितना आया, मैक्सिमम वैल्यू टॉप सबसे ज्यादा, जैसे इससे पहले 1 mm भी पहुंचा होगा उसको नहीं, सबसे ज्यादा कितना गया, जैसे हमारे पास पेंडुलम होता था ना, पेंडुलम हमने पकड़ा बीच में, पेंडुलम को ए आंख खोल सीधे बैठ, देखो सीधे बैठ ऐसे कर, यहाँ देखो ये हमारे पास पेंडुलम है, इमेजिन पेंडुलम है ये हमारे पास में, ठीक है, पेंडुलम हमने यहाँ से खींचा छोड़ दिया, यहाँ से इतना गया फिर वापस आ गया, फिर इतना गया, मैक्सिमम कितना गया यहाँ तक गया ना, तो यहाँ मीन से यहाँ तक की मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, मीन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम कितना जा रहा है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बराबर ही जाता है, जितना फॉरवर्ड जाता है उतना ही बैकवर्ड भी जाता है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को अगर हम क्या मान लें, नेग्लिजिबल मान लें, तो हवा, कल परसों बताया था ड्रैग, रेजिस्टेंस का मतलब वो जो अपोज करे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गई वो, ये हो गई एयर रेजिस्टेंस, फ्लूइड रेजिस्टेंस, सब हो जाता है, सब जगह रेजिस्टेंस वर्ड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखो समझ में आया एम्पलीट्यूड क्या है, मीन पोजीशन से, किससे, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, जैसे अगर यहाँ पर ऊपर गया ए वैल्यू तो नीचे भी कितना आएगा ए, फिर ऊपर आएगा ए, फिर नीचे आएगा ए, तो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मीन वैल्यू से, उसको हम क्या बोलते हैं, उस वेव का या साउंड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक हो गया, ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, इतने तक का समझ में आ रहा है सर, लिख सकते हो, मैं लास्ट में सबको अपने आप से डेफिनेशन बनाओगे, हाँ मैं बताऊंगी नहीं, ध्यान से सुन लो, सबकी वापस से डेफिनेशन बनानी है तुमने। अगला हो गया हमारा वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या है, देखो यहाँ ये यह हमारे पास में क्रस्ट है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक की डिस्टेंस, मतलब हमने टोटल वन एक ऑसिलेशन में कितना चला वो बताना है, या फिर हम बोले यहाँ मीन से मीन के डिस्टेंस, जैसे मान लो यहाँ पर से वेव शुरू हुई, आगे गई 2 सेंटीमीटर, फिर पीछे आई वापस से 2 सेंटीमीटर, फिर पीछे की तरफ को गई 2 सेंटीमीटर, फिर वापस आ गए 2 सेंटीमीटर, टोटल कितने हुए 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर क्या हो गई इसकी वेवलेंथ, समझ में आ रहा है, टोटल जितनी भी हो रही है, एक क्या देखो, एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक की डिस्टेंस, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक, या फिर हम बोले एक टफ से, अगर मान लो इसके आगे और टफ होता तो एक टफ से दूसरे टफ के बीच, इसको हम क्या बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्डा से दिखाते हैं, इसे दिखाते हैं लैम्डा से, साउंड की भी वेवलेंथ होती है, सुना होगा तुमने साउंड की वेवलेंथ कहते हैं ना, तो साउंड की वेवलेंथ क्या हुई, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक की डिस्टेंस, या फिर एक टफ से दूसरे टफ, तुम जहां पर से ले रहे हो, जैसे मान लो तुमने यहां पर से लिया तो इसमें भी यहीं पर तक चलोगे,
तुमने अगर यहाँ पर से लिया तो अगले में भी यहीं पर तक बराबर डिस्टेंस तक अगले वाले सराउंड के बराबर जगह जाने में जितना भी उसमें गैप होगा उसको हम क्या बोलेंगे वेवलेंथ। याद रहेगा एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक या फिर एक टफ से दूसरे तक, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंपल क्या होता है बताया मैंने तुमको, लैम्डा 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 उल्टा भाई लैम्डा चलो टाइम पीरियड हो गया, अगला हो गया लाउडनेस और पिच, दोनों चीजें ध्यान से सुनो। लाउडनेस का मतलब होता है जो हमारे पास में साउंड वेव है वो कितनी लाउड है या कितनी सॉफ्ट है, कितनी तेज है या धीमी है, उसको हम क्या बोलते हैं लाउडनेस। तेज होगी तो हम बोलेंगे साउंड इज लाउड, अगर धीमी होगी तो हम क्या बोलेंगे साउंड इज श्रिल, क्या बोलते हैं श्रिल, श्रिल मतलब धीमी हल्की, तो उसको हम क्या बोलते हैं लाउडनेस। अब लाउडनेस को हम पता कैसे करते हैं, देखो लाउडनेस लड़की बोलनी लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, इस पर डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, ये एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड जितना हाई होगा लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी, तो किस पर डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड, लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा लाउडनेस उतनी ही ज्यादा, एम्पलीट्यूड जितना कम लाउडनेस उतनी ही कम। समझ में आ रहा है, हम धीमे बोल रहे हैं मतलब हमारी साउंड की एम्पलीट्यूड क्या है कम, हम तेज बोल रहे हैं मतलब साउंड की एम्पलीट्यूड क्या है ज्यादा। वैसे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है यहाँ, जैसे मान लो एम्पलीट्यूड 2 है तो लाउडनेस 4, अगर एम्पलीट्यूड डबल कर दी तो लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है बात। लास्ट हो गया हमारा पिच, पिच मतलब आवाज कितनी तीखी है और कितनी भारी है, उसको हम क्या बोलते हैं पिच। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, किस पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी पिच उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या समझे, हमारे पास में दो वेव है, दोनों वेव हाँ मैं तुमको दोनों वेव पहले एम्पलीट्यूड वाला बता देती हूँ। जैसे एक साउंड वेव है मान लो ये है, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, साउंड वेव बनाने की कोशिश कर रही हूँ बार बार, पता नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है। यहाँ देखो एक साउंड वेव है ये, इसका एम्पलीट्यूड हो गया ठीक है, एक साउंड वेव ये है, अरे एक साउंड वेव ये है हमारे पास में, ये क्या हो गया इसका एम्पलीट्यूड हो गया। बताओ एम्पलीट्यूड किसका जाता है, ए का या बी का, बी का, बी का एम्पलीट्यूड ज्यादा तो बी की लाउडनेस भी क्या होगी ज्यादा। समझ में आ रही है बात। दूसरा देखो हमारे पास में ऐसे ही दो साउंड वेव और हैं, एक है हमारी ये, ए टेढ़ा क्यों बन जाता है ये कभी कभी, दूसरी है हमारे पास में ये, बताओ वाह ये एक है ए और एक है बी। ए वाले की ना फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, देखो अगर एक सेकंड में ज्यादा वाइब्रेशन होने हैं तो जल्दी 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 होंगे, फटाफट फटाफट होंगे। देखो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा कम, देखो ये टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड क्या है कम, इधर देखो टाइम पीरियड क्या है ज्यादा, टाइम पीरियड ज्यादा। जैसे मान लो हमारे पास में 10 मिनट है, 10 मिनट में एक ऐसी वेव है जो एक मिनट में एक ऑसिलेशन कर रही है, तो 10 मिनट में 10 ही ऑसिलेशन होंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 10/10 1 हर्ट्ज ठीक है। वहीं पर दूसरी वेव है जो एक मिनट में 10 ऑसिलेशन कर देती है, तो 10 मिनट में 100 ऑसिलेशन करेगी, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 100/10 कितनी आएगी 10 हर्ट्ज यानी कि जिसमें टाइम पीरियड छोटा होगा उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज्यादा होगी, और जिसमें टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी अपने आप ही कम होगी ठीक है। उल्टा रिलेशन होता है, अभी बताया था फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम, और टाइम पीरियड जितना कम फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा। इस वाले में देखो टाइम पीरियड कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती होगी ज्यादा, और इस वाले में देखो टाइम पीरियड ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी क्या होती होगी कम। अब बताओ किसकी पिच ज्यादा किसकी पिच कम, ए की पिच ज्यादा या कम, और बी की पिच ज्यादा या कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच भी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच भी कम, कैसी रफनेस, पिची बोलते हैं उसको भी, वो भी पिची होती है ठीक है। जैसे मेरी है ना, मेरी पिच हाई है, तीखी आवाज है, फीमेल्स की तीखी आवाज होती है, पिच क्या होती है हाई, यानी कि हमारे साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी ज्यादा, तुम्हारी पिच क्या है
कम, तो तुम्हारी साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? कम। पिच, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा पिच भी उतनी ही ज्यादा, फ्रीक्वेंसी जितनी कम पिच भी उतनी ही कम। लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी दोनों पर डिपेंड करता है। लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पर। और पिच किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वापस दूंगी, इतने में तो तेरा सर चला जाएगा। चलो हो गया पूरा। ओ छात्र शक्ति, समझ में आ गई बातें? खत्म हो गया चार्ज। बाद में ए, चलो यहाँ देखो, देखो बोल। कॉम्प्रिहेंशन वो आते हैं जो रीड द फॉलोइंग मैसेज, रीड द फॉलोइंग मैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। चलो अब यहाँ सुनो, यहाँ देखो एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ ये देखो, ऑसिलेशन क्या बोल रहा है, कितने भी राउंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है, बस पिछली क्लासेस में कम पढ़ा भी बताती हूँ। पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है? पिछली क्लासेस में तुमने पीरियोडिक मोशन पढ़ा है, तो वहां ये ऑसिलेशन वगैरह सब कुछ है। देखो ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा था उधर, ठीक है। ऑसिलेशन देखो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या है? हर्ट्ज। सिंबल क्या होता है? एचजेड। फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज मतलब हुआ एक ऑसिलेशन एक सेकंड में। फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में 20 ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन। ठीक हो गया। अगला हमको क्या बोल रहा है? देखो अगला हमको बोल रहा है एम्पलीट्यूड। ऑसिलेशन एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? 50 मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा। तो पिच भी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है चलो, चलो हम देखो आप क्या बोल रहे हैं। एम्पलीट्यूड वगैरह तुमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है बोला, जैसे तुम लोगों ने वो देखा है। अच्छा ये पिच वो समझाने का तरीका बता देती हूँ मैं तुमको, मत करे लड़के। तुमने गिटार देखा होगा, गिटार की स्ट्रिंग देखी होगी। गिटार की स्ट्रिंग जब बहुत तेज वाइब्रेट करती है तो बहुत शार्प आवाज आती है, और जब थोड़ा स्लो वाइब्रेट करती है तो दबी हुई आवाज आती है। चलो चलो किसी भी स्ट्रिंग में हो सकता है ऐसा, ठीक है। तेज वाइब्रेट कर रही है मतलब एक सेकंड में ज्यादा ऑसिलेशन करेगी, ज्यादा ऑसिलेशन करेगी मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई। तो पिच भी क्या आई? देखो हाई। अगर धीरे धीरे ऑसिलेट करे इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लो। तो पिच भी क्या आएगी? समझ में आ रही है बात? तो तुम्हारे को देखने का सबसे सिंपल तरीका है ये। अब तुमको यहाँ कुछ चीजों की लाउडनेस दे रखी है, ये फिर बताती हूँ मैं। देखो क्या लिख रखा है, लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। देखो एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो साउंड कैसी होगी? लाउड होगी। अगर एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम होगा तो साउंड कैसी होगी? फीबल। फीबल मतलब क्या होगी? धीमी। धीमी फीबल। फीबल मतलब धीमी, कमजोर मतलब हल्की सी बोलते हैं जो हम। कमजोर आवाज मतलब है थोड़ी आवाज से वीक लगेगा, कमजोर आवाज मतलब धीमी आवाज, अगर स्लो वॉइस। और अगर इसकी वजह से नहीं है केवी के सारे बच्चे इतने ड्रामेबाज होते हैं कि तुम ही अलग से हो। देखो यहाँ पर भी दिखा रखा है। अगला हमारा क्या है? श्रिलनेस या फिर क्या है? पिच। अच्छा मैंने श्रिल उसको बोल दिया था शायद, फीबल को श्रिल बोल दिया था।
ध्यान देना उसको, उसको हम क्या बोलते हैं लाउड या फिर फीबल, इसको हम क्या बोलेंगे हाई पिच, हाई होगी तो शार्प या फिर श्रिल, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी से क्या पता चलती है हमको, पिच पता चलती है। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर हायर होगी तो साउंड कैसी होगी श्रिल, और अगर सॉरी कहाँ गई, पी से द साउंड इज श्रिल एंड हैज द हायर पिच, उसकी पिच क्या होगी हायर, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन अगर लो होगी तो साउंड कैसी होगी लोअर पिच की होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगी तो साउंड कैसी होगी हायर पिच, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, ठीक है। अगला हो गया जैसे ये दिखा रखे नीचे, देखो ये हमको कम फ्रीक्वेंसी दिखा रखी है, जैसे ड्रम आवाज आती है बम बम बम, ठीक है दूर तक जाती है, उस दूर तक तो एम्पलीट्यूड के हिसाब से जाती है, लाउडनेस जितनी ज्यादा होगी उतने दूर तक जाएगी एम्पलीट्यूड के हिसाब से, ठीक है। और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी एक साथ मत लो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक साउंड हो जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो और एम्पलीट्यूड भी बहुत कम हो, वहीं दूसरी साउंड हो जिसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत आई हो और एम्पलीट्यूड भी बहुत आई हो, दोनों कैरेक्टर को मिक्स मत करो, ऐसा नहीं होगा कि फ्रीक्वेंसी आई है तो एम्पलीट्यूड कम होगा या फिर फ्रीक्वेंसी कम है तो एम्पलीट्यूड आई होगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हो सकता है दोनों अलग अलग चलते हैं, एम्पलीट्यूड अपना अलग चलता है, एम्पलीट्यूड हाई या लो कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरी साउंड है, मेरी साउंड क्या है लाउड भी है और हाई पिच की भी है, तुम्हारी साउंड हो सकती है लाउड हो लेकिन लो पिच की होगी, है ना। तो लाउडनेस यानी कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से रिलेटेड ऐसे नहीं होते कि लाउड अगर होगी यानी कि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी या फिर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है बीच, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तुमको क्या दिखा रहे तो ड्रम वाले में कैसी बन रही है फ्रीक्वेंसी कम बन रही है और विसिल में फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है ज्यादा, इसलिए ड्रम की आवाज कैसी सुनाई देती है दब 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 मतलब डीप वॉइस टाइप की सुनाई देती है, और चींटी की आवाज क्या क्या आती है पीछे उतनी हाई फ्रीक्वेंसी उतनी हाई पिच, आवाज पतली हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच। हाँ अभी सब पारसर को भेजो चलो, आवाज की फ्रीक्वेंसी हाई तो पिच हाई मतलब आवाज होगी तीखी तेज, अगर आवाज की फ्रीक्वेंसी कम तीखी, हाँ तीखी वाली तेज कह रही मतलब लाउड की नहीं कह रही मैं, तीखी होगी, और आवाज की फ्रीक्वेंसी जितनी कम आवाज की पिच भी उतनी ही कम और आवाज उतनी ही हैवी होगी, बेस वाली होगी भारी होगी, बेस भारी हैवी जो भी कहो तुम वो सब डीप वॉइस होगी, ठीक है। जैसे तुम लोगों के साउंड में क्या है पिच कम है डीप वॉइस, और गर्ल्स के साउंड में क्या होता है पिच हाई और कैसी वॉइस श्रिल वॉइस, श्रिल वॉइस, ठीक है क्यूट। ओहो चलो जैसे चुप कर, जैसे बर्ड्स की आवाज है, बर्ड्स की आवाज कैसी होती है हाई पिच की होती है तीखी, वही लायन की आवाज कैसी होती है लो पिच की होती है क्या बोलते हैं रोर बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या नीचे लिख भी रखा है, देखो हाँ चुकर नीचे लिख भी रखा है, देखो लायन की भले पिच लो होती है लेकिन लाउडनेस क्या होती है बहुत ही हाई यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होगा बहुत ही ज्यादा, और वहीं बर्ड्स की भले पिच बहुत हाई हो लेकिन आवाज कैसी होती है फीबल यानी कि एम्पलीट्यूड क्या होगा बहुत ही कम, तो लाउडनेस और पिच डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का एक दूसरे, ठीक है। चलो अगला हो गया ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। अच्छा तुम तो कह रहे थे नहीं है वेव फॉर्म में, ये क्या है वेव फॉर्म में तो दिया है, तो ये वेव तो है साउंड वेव है, ये निकालनी नहीं दिया ना सीधे स्टडी दी है, ये है देखो साउंड वेव प्रो, ये है ये इसका मीन पोजीशन, ठीक है ये हो गया अपर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये हो गया नीचे का तरफ को एम्पलीट्यूड बराबर होगा दोनों का, यहां से लेके यहां तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ तो क्या बोलेंगे वन ऑसिलेशन, और इसमें जो भी टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक हो गया करो पढ़ लो मस्ती करने से ज्यादा, ठीक है बताया बता दो क्या टाइम बताया मैंने टाइम टेकन बता रही हूँ, मार पड़ेगी हाँ। देख काव्य पूछा था ना टाइम पीरियड क्या होता है, ये एक ऑसिलेशन है देखो ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया यानी कि आगे गया फिर वापस पीछे गया फिर वापस सेंटर में आ गया, इस पूरे में जितना भी टाइम लगा यानी कि एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। पार्टिकल ऐसे थोड़ी घूमते हैं, ये हमने उसका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना रखा है, पार्टिकल तो ऐसे मूव करते हैं, ये इसका ग्राफ है, ये पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं आगे पीछे फिर बीच में फिर आगे फिर पीछे फिर बीच में फिर आगे फिर पीछे फिर बीच में,
ये उसको हम ग्राफ में समझाने के लिए, क्योंकि अदरवाइज हम एम्पलीट्यूड वगैरह दिखा नहीं पाएंगे ना, इसमें कैसे तुम एम्पलीट्यूड दिखाओगे, कैसे फ्रीक्वेंसी दिखाओगे, पता नहीं चलेगा। इसलिए समझने के लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। ये ऊपर डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, इतने से इतने में जितना टाइम लगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। जैसे मान लो यहाँ पर से ग्राफ शुरू हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास में 0, 1, 2, 3, तो यहाँ से कितना हुआ? 3 में पहुंचा, तो टाइम पीरियड कितना हो गया इसके लिए? 3 सेकेंड। एक सर्कल, एक राउंड पूरा कितना कंप्लीट हुआ उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, क्या सीटी है पढ़ने के अलावा और सब काम कर लो तुम। दूसरा ही है देखो हमारे पास में, इसमें टाइम पीरियड देखो कम है, दिख रहा है? टाइम पीरियड छोटा है बहुत ज्यादा, उसमें टाइम पीरियड बहुत बड़ा था। एम्पलीट्यूड देखो, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ये हो गया इसका 1 ऑसिलेशन, ये यहाँ से लेके 1 क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। ऐसे 1 टॉप से दूसरे टॉप तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। समझ में आ रही है बातें? ये सबका सारी की सारी वैल्यू तुमने अभी नोट करनी है, खुद लिखोगे डेफिनेशन, और एक भी डेफिनेशन अगर कम हुई ना फिर बताऊंगी मैं तेरे को। क्या एम्पलीट्यूड बराबर होते हैं दोनों? इतनी देर से वही तो बोल रही हूँ, दोनों बराबर होते हैं करके, जब ध्यान इधर सुनने में होता है। चलो यहाँ देखो, कुछ साउंड्स हैं जिनकी लाउडनेस दी हुई है। यहाँ देखो, लाउडनेस को दिखाने के लिए यूनिट क्या है? डेसिबल है। लाउडनेस की यूनिट क्या है? डेसिबल। डीबी करके इसको दिखाते हैं, स्मॉल डी कैपिटल भी। ठीक है, नॉर्मल कुछ कुछ साउंड की इसको लाउडनेस दी हुई, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग है, सांस ले रहे हो जो तुम, वो कितनी है? 10 डेसिबल। सॉफ्ट विस्पर, जिसको मतलब 5 मीटर तक सुन सके हम, 5 मीटर कितना होता है? ये हो गया 1 मीटर का 5 गुना। जिसको हम 5 मीटर तक सुन सके उसकी लाउडनेस कितनी होती है? 30 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो अभी हमारी चल रही है, इसकी लाउडनेस कितनी है? 60 डेसिबल। 5 मीटर मतलब 5 मीटर से दूर हुआ बंदा नहीं सुनना चाहिए उसको, समझ में आ रहा? मैक्सिमम 5 मीटर। अच्छा, नॉर्मल कन्वर्सेशन कितनी है? 60 डेसिबल, लाउडनेस 60 डेसिबल। बिजी ट्रैफिक की कितनी होती है? जब गाड़ी बहुत सारे ऑन ऑन बार बजाते तो क्या होती है? 70 डेसिबल। और एक फैक्ट्री जो है उसकी कितनी होती है? लगभग 80 डेसिबल। ठीक है, तुम लोग ये सब याद करोगे, हाँ, ये सारी की सारी वैल्यूज याद करनी है तुम्हें। हम बात कर रहे हैं तो 60 डेसिबल, अगर खुसुर बुसुर करेंगे तो 30 डेसिबल, खाली सांस लेंगे तो 10 डेसिबल, ट्रैफिक होगा तो 70 डेसिबल, और अगर फैक्ट्री हुई तो 80 डेसिबल। याद रखोगे? फैक्ट्री में 80 डेसिबल बस सब कुछ है, मतलब सब फिजिक्स ही फिजिक्स की, बाकी चैप्टर भी है, एक ही चैप्टर बस, इतना कराया था क्या मैंने? भाई कई करा दिया, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल तो है, कौन सा थ्योरी है? थ्योरी तो इतनी कम है, सब न्यूमेरिकल ही है। जाओ चलो, हो गया ये याद, फटाफट से चलो मैं पूछती हूँ। काव्य उधर मत देखना, मैं इसको हटा देती हूँ। चलो अब कैसे होगा? अब तो दिखेगा ही नहीं, पता। नॉर्मल कन्वर्सेशन की लाउडनेस क्या कर रहा, पढ़ रहा है अपना वेद। ट्रैफिक की लाउडनेस तू बता, सांस लेने की लाउडनेस बुक बंद कर लो तू बता। फैक्ट्री की लाउडनेस 80, विस्पर की लाउडनेस 30, और क्या बोलते हैं इसको, ट्रैफिक की लाउडनेस बस की क्या बोलते हैं, सांस लेने की लाउडनेस, सांस लेने की तो अभी पूछ रही थी उससे, हाँ सॉरी, नॉर्मल कन्वर्सेशन की लाउडनेस नॉर्मल ना जी, फैक्ट्री की लाउडनेस 80, सांस लेने की लाउडनेस 10, नॉर्मल कन्वर्सेशन से ये पूछा इससे पहले भी, ट्रैफिक की, ट्रैफिक नॉर्मल कन्वर्सेशन, सचिन नॉर्मल कन्वर्सेशन की लाउडनेस 60, फैक्ट्री की, तेरा पहली बार पहला ही, एक ही इनमें में से एक ही गलत हुआ है, वो भी तेरा। तो केस फैक्ट्री की लाउडनेस 80, ट्रैफिक की लाउडनेस
अभी उसने क्या गाया सुना तूने? फैक्ट्री की 80 गाया उसने। फैक्ट्री की कितनी होती है? सेवेंटी। नॉर्मल कन्वर्सेशन की तो पहले वही तो बताया तूने, है 50 था ही नहीं। कितनी कमजोर याददाश्त, कहाँ है ध्यान उतारने में ध्यान। बता तू बता, नॉर्मल कन्वर्सेशन की लाउडनेस 60, ट्रैफिक की, सांस लेने की, फुसाने की विस्पर 30, और ट्रैफिक क्या बोलते हैं उसकी, फैक्ट्री की, ट्रैफिक की, नॉर्मल कन्वर्सेशन काव्य, नॉर्मल कन्वर्सेशन बता 60, और विस्परिंग। अरे ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव कर दे 30। फैक्ट्री की तू बता, ट्रैफिक की 70, नॉर्मल कन्वर्सेशन सांस लेने की 10, लोकेश ये सचिन, नॉर्मल कन्वर्सेशन सांस लेने की, फैक्ट्री की 80, और विस्परिंग की बोलने से तेज खुशबुसाता है तू, बोलना 60, खुशबुसाना 80, 70। आहा क्या फायदा हुआ फिर, कितनी होती है बता 30। इतनी देर तक सुनता तो भी याद जाता तेरे को, चल एक बार फटाफट कॉपी में नोट कर याद जाएगा, अपने मन से लिखना मैं बताऊंगी नहीं। चलो लास्ट में तुम्हारा ये है बेटा, देखो इनऑडिबल और ऑडिबल साउंड, देखो यहाँ देखो, हमारे पास में जो साउंड है ना विनीत, हमारे पास में जितनी भी साउंड है उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहली कैटेगरी है ऑडिबल, AUDIBLE, ऑडिबल साउंड्स, और ये ऑडिबल से कम वाली भी और ऑडिबल से ऊपर वाली भी, इसको हम क्या बोलते हैं, इनऑडिबल, इनऑडिबल साउंड, ठीक है। अब ऑडिबल से जो नीचे उसके लिए कुछ अलग नाम भी तो होगा ना, हमेशा कम वाले को हम क्या बोलते हैं, इंफ्रा, क्या बोलते हैं, इंफ्रा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, और हमेशा जो ऊपर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा, तो इसके लिए ऊपर के लिए क्या वर्ड यूज होगा, अल्ट्रासोनिक। अब अगर तुझे याद नहीं हुआ, चलो देखो सबसे कम वाली को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, जिसको हम नहीं सुन सकते, कुत्ते उत्ते सुन सकते हैं, जब भूकंप भूकंप आता है ना, या अर्थ की क्रस्ट की प्लेट झिलती है, तो इसमें जो साउंड बनती है वो इंफ्रासोनिक बनती है, बहुत कम लाउडनेस की होती है, तो हम नहीं सुन सकते इसको, कम फ्रीक्वेंसी की होती है, बहुत ज्यादा कम फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है। कम फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड ना बहुत ही कम वाइब्रेशन करेगी, 20 से कम वाइब्रेशन अगर किया तो हम इसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक। एक सेकंड में 20 बार वाइब्रेशन करना चाहिए, अगर 20 से कम बार किया तो क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक, क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक, यानी कि 0 वाइब्रेशन से लेकर के 20 वाइब्रेशन तक, 20 हर्ट्ज मतलब 20 वाइब्रेशन पर सेकंड, इसके बीच में जितनी भी साउंड आती है उनको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, और इनको हम नॉर्मल ह्यूमन एयर से नहीं सुन सकते हैं, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, जितने भी जो एनिमल्स वगैरह होते हैं जनरली वो इंफ्रासोनिक साउंड सुन पाते हैं, इसलिए अगर किसी के भी घर में कुत्ता या बिल्ली है, भूकंप आने से सबसे पहले, भूकंप आने से भी पहले वही भागेंगे घर से बाहर, क्योंकि उनको सबसे जल्दी पता चल जाता है, भौंकना शुरू कर देते हैं जानवर, जैसे भूकंप भूकंप आने वाला होता है ना, जानवर भौंकना शुरू कर देते हैं, भूकंप आने से पहले ही भौंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी को पहचानते हैं, सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते हैं, समझ में आ रही है बात। अगला होता है ऑडिबल, ऑडिबल मतलब जिसको हम सुन सकते हैं, ह्यूमन ईयर सुन सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिबल, और ये कितने से कितने हर्ट्ज के बीच में होते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000, किलो का मतलब होता है 1,000, 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच में जितने भी साउंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड, क्या बोलते हैं, ऑडिबल, 20 से 20,000 के बीच वाले को क्या बोलेंगे, ऑडिबल, इसको हम सुन सकते हैं, ठीक हो गया। लाउडनेस नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, 20,000 फ्रीक्वेंसी है वो, ये नहीं है कि लाउडनेस है, ठीक है।
इसके बीच वाली हम सुन सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन एयर से, ठीक है। इससे अगर ऊपर हुआ मतलब 20,000 हर्ट्ज से अगर ज्यादा हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव, चमगादड़ सुन सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, वो बहुत ज्यादा। जो पनडुब्बियां होती है ना जमीन के पानी के नीचे रहती हैं जो पनडुब्बियां, अब उनको कैसे पता चलता होगा कि हमसे इतने आगे पर कोई पहाड़ है या कोई क्या बोलते हैं सिटी है या कोई दूसरी सबमरीन है, उनको दिख तो नहीं सकता। वो क्या करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड भेजते हैं, टकरा के वापस आती है, उससे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रही है, इनकी स्पेसिफिक स्पीड होती है, स्पीड इनको पता होती है कि हम स्पीड की भेज रहे हैं करके, के हिसाब से डिस्टेंस से कैलकुलेट कर देते हैं कितने टाइम में वापस आएगी उसके पास। समझ में आ रहा है, तो लोकेशन वगैरह डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक हो गया। तो साउंड हमारे पास कितनी हो गई, तीन, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक 20 से कम वाली, 20 से 20,000 के बीच वाली ऑडिबल, 20,000 से ज्यादा वाली अल्ट्रासोनिक। याद रहेगा, इसको बना लो, चलो हाँ इसको कैसे बना लो है? अभी कहती थी हाँ, बना क्यों नहीं रही है, अभी बंद करके क्यों बैठी है? को लिखो 0 हर्ट्ज, को लिखो 20 हर्ट्ज, ये जो लाइन है ये है 20 हर्ट्ज, ठीक है। इसको लिखो 20,000 हर्ट्ज, थोड़ा आगे पीछे से लिखना शुरू होते हैं, 20,000 हर्ट्ज, और इसको लिखो इनफाइनाइट, मतलब 20,000 से ऊपर जितनी भी होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, कम सुन सकते हैं, इसका मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं सुन सकते, उनकी हेयरिंग रेंज नीचे शुरू हो जाती है। इंफ्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक पीछे है, चमगादड़ वगैरह सुन सकते हैं, डॉग्स वैसे नहीं सुनते अल्ट्रासोनिक। नीचे लिख दो इनऑडिबल, इनऑडिबल कौन कौन है, इंफ्रासोनिक और एंड अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या हो गया, बिलो 10 फ्रीक्वेंसी, बिलो 10 हर्ट्ज, और अल्ट्रासोनिक क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज, और ऑडिबल कितना हो गया, 20 हर्ट्ज से 20,000, ये हो गया ऑडिबल, ऑडिबल की रेंज है ये। अल्ट्रासोनिक क्या हो गया, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, और इंफ्रासोनिक क्या हो गया, लेस देन 20 हर्ट्ज। लेस देन मोर देन का साइन तो आता होगा ना तुमको, आता है, इसका मतलब बताता था, इसका मतलब बता। तुझे क्या लगता है, यहाँ पर अभी जब हम सुन रहे हैं तो हमारे आसपास कोई अल्ट्रासोनिक साउंड नहीं है, है? हम उसको सुन ही नहीं सकते हैं, कान आन कुछ नहीं फटेंगे, कान पड़ते हैं लाउडनेस की वजह से, फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस अलग अलग है, इतनी देर से वही कह रही हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी अलग है, फ्रीक्वेंसी की वजह से तेज या कम नहीं होगी आवाज, लाउड या वो नहीं होगी, क्लीबल नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी की वजह से तीखी हो जाएगी, जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी आवाज उतनी तीखी है। लास्ट में फिर शीतला किसका, शीतला किसका बाप था कहते हैं,
पूरी रामायण सुनाती, लास्ट में सीता किसका बाप था? माँ होगी ना, क्वेश्चन ही उल्टा है। ये अलग दुनिया में रहती है, पता नहीं अलग नशे करके आ रही है भाई ये। अर्थ हाँ। बहुत हाँ सारे जानवर, गाय भैंस बकरी जितने भी जानवर हैं ज्यादातर इंफ्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। ये अच्छी है, तो ये अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक ए अगला बुक खोलो, चलो सभी लोग अपनी बुक खोलो, अपनी बुक खोलो। हाँ एनसीईआरटी खोलो, देखो तुम हमको दिखा रखा है यहाँ पर पे, देखो सम एनिमल्स हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। ए बुक खोलोगा, डब्बे डब्बे में। हाँ देखो क्या लिखा है, कुछ एनिमल्स हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड सुन सकते हैं, लिखा है। जैसे ए जैसे डॉग्स के पास ये एबिलिटी होती है कि ये अल्ट्रासोनिक साउंड भी सुन सकती हैं, और पुलिस इनको यूज करता है डॉग्स को हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड्स को सुनने के लिए जो ह्यूमन नहीं सुन सकते। ठीक है, अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट जिनको हम यूज करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और ट्रैकिंग के लिए, कोई मेडिकल प्रॉब्लम जैसे उन लोगों ने सुना होगा, हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं, सुना है? क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में क्या करवाने जा रहे हैं? अल्ट्रासाउंड। वो अल्ट्रासाउंड में इन्हीं अल्ट्रासोनिक साउंड का हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर हमें ऑर्गन का स्ट्रक्चर पता चल गया, पता लगेगा कुछ डिफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है? अंदर का पता करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हम वो साउंड वेव भेजते हैं, टकरा करके वापस आती है, तो उसके हिसाब से मशीन डिस्टेंस कैलकुलेट करती है, और हर एक वेव की अलग अलग डिस्टेंस होती है, क्योंकि कोई ऑर्गन नीचे होगा कोई ऊपर होगा जगह, उसके हिसाब से मशीन खुद एक ड्रॉइंग बना करके देती है। हाँ वो मशीन की टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई गई है कि साउंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करके ड्रॉइंग बना के दे। ठीक है बाय बाय। उसका कहाँ जा रहा है? ठीक उसको हम क्या बोलते हैं? चलो ये 20,000 से ऊपर के साउंड पे काम करती है बस। ठीक है चलो अगला तुम्हारे, इसके बाद नॉइज और म्यूजिक है। नॉइज देखो ये सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें डिफिकल्ट है, जो भी आवाज हमें सुनने में अच्छी लगे वो हो गई म्यूजिक, और जो भी हमें आवाज सुनने में अनप्लीजेंट लगे गंदी लगे वो क्या हो गई? नॉइज। जैसे हो सकता है किसी को ट्रैफिक की आवाज बड़ी अच्छी लगती हो, उसके लिए वो होगा म्यूजिक ट्रैफिक की आवाज। हो सकता है किसी को अच्छी लगती हो, हर हर इंसान के लिए खुशबू की बात नहीं हो रही है, खुशबू की बात हो ही नहीं रही है, आवाज की बात हो रही है। ठीक है हैं, जैसे अरिजीत सिंह, जैसे हिप हॉप साउंड म्यूजिक है, म्यूजिक है ना। ए चुप करो, हिप हॉप म्यूजिक है, कुछ लोग को हिप हॉप म्यूजिक पसंद आता है तो उसके लिए वो क्या हो गया? म्यूजिक। और किसी को उससे चिड़ होती तो उनके लिए वो क्या हो गया? नॉइस। तो डिपेंड करता है, तुम्हें जो अच्छी लगेगी वो क्या हो गया? म्यूजिक, और जो गंदी लगेगी वो क्या हो गया? नॉइस। अब कुछ कुछ है जो हमको हमने नॉइस की कैटेगरी में डाल दिया, जैसे फैक्ट्री की आवाज गंदी होती है तो नॉइस डाल दिया, ट्रैफिक की आवाज गंदी होती है तो नॉइस डाल दिया, कंस्ट्रक्शन की आवाज एक गंदी होती है तो क्या डाल दिया? नॉइज डाल दिया, और झरने की आवाज अच्छी लगती है तो क्या डाल दिया? म्यूजिक डाल दिया, बांसुरी हारमोनियम गिटार क्या डाल दिया? म्यूजिक। ठीक है तो ये कुछ हमने बना दिए हैं, अदरवाइज जो भी साउंड हमें अच्छी लगे उनको हम क्या बोलेंगे? म्यूजिक, और जो भी साउंड हमें गंदी लगे उनको हम क्या बोलेंगे? नॉइस। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड आती है जनरली हम उनको क्या बोलते हैं? म्यूजिकल साउंड, यानी कि म्यूजिक बोलते हैं। जैसे बांसुरी से आने वाली आवाज को म्यूजिक ही कहेंगे हम, हारमोनियम से आएगी म्यूजिक कहेंगे, सहनाई से आएगी म्यूजिक ही कहेंगे, वो बॉम्बो होता है जो बजाने वाला उससे भी जो आएगी उसको क्या कहेंगे? म्यूजिक कहेंगे। ठीक है चलो अगला नॉइस पॉल्यूशन है। नॉइस पॉल्यूशन कैसे होता है? अनवांटेड साउंड जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइस पॉल्यूशन। जैसे क्या बोलते हैं? ट्रैफिक की आवाज नॉइस पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज की आवाज नॉइस पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन की आवाज नॉइस पॉल्यूशन, और ये अर्थक्वेक लैंडस्लाइड वोल्केनिक इरप्शन इनकी आवाज नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, लाउड म्यूजिक की आवाज नॉइस पॉल्यूशन। ठीक हो गया, कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? फैक्ट्रीज के चारों तरफ पेड़ लगा दो ताकि नॉइज ज्यादा दूर तक ना जाए, है ना। और क्या करेंगे, जो ट्रैफिक है ट्रैफिक में हॉर्न वगैरह का कम से कम यूज करेंगे तो उससे नॉइज नहीं बनेगा। और क्या करेंगे, जो
जो स्पीकर्स वगैरह हैं उनकी जो साउंड लिमिट है, साउंड लिमिट में रह करके स्पीकर चलाएंगे ताकि अपने आप को एंजॉय हो लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, तो क्या बोलेंगे? नॉइस पोल्यूशन क्या कर रहे हैं हम? घटा रहे हैं. कंस्ट्रक्शन, ऐसी मशीन्स का यूज करें या फिर ऐसे तरीकों का यूज करें कि कंस्ट्रक्शन से कम साउंड निकले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन ऑफ नॉइस पोल्यूशन. ठीक हो गया. फैक्ट्री वगैरह शहर से थोड़ी दूर बनाई जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन ऑफ नॉइस पोल्यूशन. ठीक है, ये दोनों पूछता है, एक तो नॉइस पोल्यूशन कैसे होता है, एक और दूसरा नॉइस पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं. जैसे पटाखे वटाखे जलने की आवाज क्या है? नॉइस पोल्यूशन. जो घर में वो घूमता है ना मिक्सी, उसकी आवाज, मिक्सी मिक्सी मिक्सर ग्राइंडर, उसकी आवाज क्या है? नॉइस पोल्यूशन. तो कई सारी मशीन की आवाज नॉइस पोल्यूशन मानी जा रही है. कम करने का तरीका क्या है? लिमिटेड अमाउंट में यूज करो और हो सके तो थोड़ा सा दूर रह करके यूज करो. कम वही किसी 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 को कढ़ाई ऐसे कट 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 करने की आवाज भी गंदी लगती है, तो वो भी क्या हो गया? ठीक है, चलो ये तुम्हारा चैप्टर पूरा हो गया. ये नॉइस पोल्यूशन से क्या आम होता है, देखो यहाँ सुनो, नॉइस पोल्यूशन से क्या आम होता है, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा देखा होगा, जब हम क्या करते हैं, ए लड़के थोड़ा बोल कम भी वेग बोलना नहीं है, तुम लोगों ने वो ध्यान दिया होगा, जब हम किसी लाउड डीजे के पास में बैठते हैं, लाउड स्पीकर के पास में बैठते हैं, तो उससे दूर जाते हैं, थोड़ी देर तक कुछ सुनाई नहीं देता, इसको हम बोलते हैं पार्शियल डेफनेस. पार्शियल या टेम्पररी, पार्शियली मतलब हल्की हल्की आवाज कम सुनाई देने लग जाएगी, पार्शियल डेफनेस. ठीक है, जैसे मान लो किसी ने चट मारी और कान दो मिनट के लिए सुन्न हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल डेफनेस. या फिर ए तुम लोग बोल लो, पढ़ा भी लो चैप्टर, जब पूछूंगी तब बोलना. जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कभी कभी हम एक दूसरे को प्रैंक करने के लिए हेडफोन में तेज आवाज लगा देते हैं ना, उसके बाद कुछ देर तक करे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो ये क्या हो गया? पार्शियल डेफनेस या फिर टेम्पररी डेफनेस. लेकिन अगर प्रोलॉन्ग पीरियड तक नॉइस पोल्यूशन के कॉन्टेक्ट में कोई रहेगा तो उसकी आंखें परमानेंटली, उसकी कान परमानेंटली क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं. हो सकता है कि उसका जो एयर ड्रम वो फट जाए, तो उससे क्या आ जाएगी? परमानेंट डेफनेस. तो नॉइस पोल्यूशन की वजह से पार्शियल डेफनेस भी आ सकती है और कंप्लीट और परमानेंट डेफनेस भी आ सकती है. ठीक है, बोल. मशीन लगा लेते हैं हम उसके बदले, तो वो सिलाई विलाई से कान साफ करते हैं, उसे फट जाता है. हाँ, बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन में रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगा, करते 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 हो गया मान लो, ज्यादा ही वाइब्रेशन हो गया तो टूट जाएगा. है जैसे वो लोग होते हैं ना, जो तुम लोगों ने सुना होगा, ए जो खदान वदान में काम करने वाले लोग होते हैं, वो पूरा टाइम वही कड़ 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 के बीच में रहते हैं, वो कुछ समय बाद उनकी हेयरिंग खत्म हो जाती है, मशीन मशीन लगानी पड़ती है उनको. वो क्या होता है ना, वो जो साउंड्स आ रही हैं, अगर कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली एयर ड्रम ज्यादा वाइब्रेट करते रहेगा तो धीरे धीरे वीक हो जाएगा और फिर ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो फिर हमको सुनाई नहीं देगा. सचिन कहाँ है, ध्यान पता नॉइस पोल्यूशन से क्या क्या होता है? हाँ क्या बोलेंगे, या तो परमानेंट डेफनेस हो सकती है या फिर पार्शियल डेफनेस हो सकती है. पार्शियल डेफनेस का मतलब है थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए हमें कान सुनना बंद कर दिया या फिर हमें आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है ना, पार्शियल डेफनेस. और अगर हमेशा के लिए सुननी बंद हो गई तो क्या बोलेंगे? परमानेंट और कंप्लीट डेफनेस. ठीक है, कुछ लोगों को ऊंचा सुनाई देता है, कहते हैं ऊंचा सुनाई देता है. मूवियों में सुने हैं, अरे मेरे पिताजी ने कई साल तक फैक्ट्री में काम किया तो अब उनको ऊंचा सुनाई देता है, कहते हैं ऊंचा सुनाई देता है का मतलब है उनका पार्शियल डेफनेस हो गई है, कम सुनाई देते हैं. ठीक है, चलो लग जाते हैं तो वो भी होता है, ये तो हम नॉइस पोल्यूशन की वजह से कर रहे हैं ना, तो उसी के हिसाब से बोलेंगे. है उसका तो इन्फेक्शन है बेटा. चलो यार सुनो, यहाँ सुनो, दूसरा क्या हो सकता है, देखो अगर कोई इंसान कंटिन्यूअसली शोर के अंदर रहे, जैसे मैं रह रही हूँ आजकल, तो उसकी वजह से स्ट्रेस और हाइपरटेंशन हो सकता है. ठीक है, क्या भी हो सकता है? हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर. हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर. तो जो कंटिन्यूअसली ज्यादा आवाज में रहता है उसको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, नींद आने में प्रॉब्लम होगी, क्या हो जाएगी? लैक ऑफ स्लीप. लैक ऑफ स्लीप की वजह से क्या हो जाएगी? स्ट्रेस, और फिर क्या होगा? एंजाइटी. एंजाइटी के अलावा भी और बहुत सारी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. ठीक है, जैसे जो लोग तुम्हें जो ट्रैफिक में ज्यादा देर रहते हैं उनको रात में लेट नींद आती है, नहीं आती जल्दी नींद, कंटिन्यूअसली शोर के बीच में रहेंगे तो नींद बहुत कम आती है. ठीक है,
अभी बड़े हो जाओगे तो पता चलेगा तुमको, अभी तो तुम्हें सब नहीं जाती होगी, दिन भर चलते कूदते रहते हो, थक जाते हो शाम तक, है ना। बस क्लास में नहीं जाती है, बाकी टाइम में आती। चलो चलो, जो सब रहो, सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारे स्कूल के टीचरों को भी भेजूंगी। रुको, पर्सन हु इज एक्सपोज टू लाउड साउंड कंटिन्यूअसली, अगर लाउड साउंड पर कंटिन्यूअसली एक्सपोज है, कंटिन्यूअसली मतलब बहुत लंबे समय तक लाउड साउंड के कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो क्या हो सकती है, टेम्पररी या फिर परमानेंट इम्पेयरमेंट, मतलब होता है खराबी, हेयरिंग परमानेंटली या टेम्पररी डैमेज हो सकती है, इम्पेयर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में नीचे पूरा कॉलम लिखा है, उसको सुन ले, देख लेना एक बार, पढ़ लो, और नीचे की तरफ कोई सब कुछ पढ़ लो एक बार, अपनी बुक में खोलो उसको पढ़ लो। भरे बहरा हो जाता है तो फिर हम साइन लैंग्वेज वगैरह यूज करते हैं, वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उनको पता ही नहीं है ये गाना, उनको ये गाना पता ही नहीं है, उनको खाली लिखा हुआ पता है बस, कैसे सुनाई देता ही नहीं पता, कैसे पता चलेगा उनको, वो बताओगी उनको, लिरिक्स बताओगी, म्यूजिक नहीं बताओगे उसका। चलो, नीचे लॉइस पोल्यूशन को घटाने के तरीके हैं, ये मैंने बता दिया तुमको, एक बार ये पूरा पढ़ लो। अरे रे, तेरे को तो मैंने